press the bell icon and never miss any updates from Delhi Reporter. काफ़ी टाइम से पूजा ससुराल नहीं आई थी, 6 महीने हो गए थे कि जो इसके ससुराल वाले हैं, मामी हैं, भाई हैं, सब ने इसे अपना जो रिश्ता था वो तोड़ दिया था। तो आज जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो नरेंद्र चाहता था कि पूजा की लाइफ में सब ठीक हो जाए, जो उसके अपने हैं वो भी वापस लौट आए। तो इसने नरेंद्र ने अपने तरीके से मामी को पटा लिया था, और जैसे पूजा घर में एंटर करती है तो एक काफ़ी सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड वेलकम होता है पूजा का, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब नरेंद्र जब साथ में है पूजा के तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल अपनी अपनी जगह पे। तो सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं, और खुद पूजा सरप्राइज हो रही है कि और कितने सरप्राइजेज अभी देखने को मिले। नहीं आउट मतलब एक्सपेक्टेशंस तो इतनी नहीं थी, लेकिन अब बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा है और हर रिश्ता जो है मायके का पूजा का उसको वापस मिल गया है। बस अब भाई भी मान जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, साले साहब का अलग ही एजेंडा चल रहा है, बट डेफिनेटली क्योंकि उस साले साहब को जो पूजा की तरफ उनका लगाव है, जो प्यार है, हमने इतने टाइम से देखा है, तो कहीं ना कहीं तो वो भी है। उसकी जो नफरत है वो नरेंद्र से है, पूजा से इतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वो भी पिघल जाएंगे होपफुली बहुत जल्द। नहीं, अभी रैली और इलेक्शन का समय है, उसके बीच में कोई बेसिक से क्राइसिस है फॉर विच यहाँ से निकलना पड़ा, बट इस समय भी वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, रैली के बाद दोबारा यहाँ आएंगे, एवरीथिंग विल बी द वे इट इज़।